हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स हैं, फिलहाल कैसे ट्रेडिंग होने वाली है। जो अभी फिलहाल पूरी ट्रेडिंग चलती हुई दिखाई पड़ रही है वो एक ही न्यूज़ के अराउंड में घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। ग्लोबल सेंटीमेंट्स थोड़ा सा भी पॉज साइड में बने हुए हैं, जब तक कुछ नेगेटिव या फिर पॉजिटिव जो भी आउटकम आना है वो मीटिंग से आ नहीं जाता है। तो हम सारी चीज़ डिटेल में देखेंगे। आप नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब सीधे हम आ गए चार्ट में। सिल्वर माइक्रो का ये चार्ट है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो इसमें पूरे दिन का रेंज था, मॉर्निंग में हमारा एक्सपेक्टेशन था कि फर्स्ट हाफ में ये निगेटिव साइड में रहेगा, जो कि इससे नीचे आप देखेंगे लगातार नीचे ट्रेड किया है। इवनिंग के टाइम में जो सेकेंड हाफ 5 बजे की होती है, उसके बाद में दोबारा से एक जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई थी उसी लेवल पे नेगेटिव टाइप का कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फर्स्ट हमारा नीचे के लिए जो रेंज था 75,000 था, अगर नीचे आप देखते हैं तो 75,160 के आसपास तक का आया है, 155 तक। उसके बाद में जो हाईएस्ट पॉइंट इसने लगाया है आज का, वो आप देख रहे हैं 850 का है। तो फाइनली इसी बीच में ट्रेड किया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब कंडीशन यहाँ फ्रेंड दो बनती हुई दिखाई पड़ रही है, एक है एवरीथिंग बेस्ड ऑन न्यूज़। अभी जो भी कंडीशन चलती हुई जा रही है, गोल्ड मिनी में देखिए, माइक्रो में देखिए या फिर मेगा में देखिए, तीनों में अब वो सिमिलर तरीके से सिल्वर में परफॉर्मेंस होती हुई दिखाई पड़ रही है। सिमिलर काइंड से गोल्ड में भी एक ऐसा मार्केट में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अभी वहाँ पर भी थोड़ा सा बेटर वाला सिचुएशन में बना हुआ है मार्केट। अगर कंडीशन बेस्ड हम चाहते हैं तो अगर यहाँ पर अगर हम कुछ और कंडीशन देखने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल अभी कंडीशन जो बनती हुई है, गोल्ड थोड़ा सा भी साइडवेज चलता हुआ दिखाई पड़ा है, डॉलर इंडेक्स साइडवेज है, गोल्ड भी लगभग साइडवेज है, और साथ में सिल्वर जो नेगेटिव था मॉर्निंग में अभी भी वो साइडवेज में चलता हुआ जा रहा है। तो यहाँ आपको ओवरऑल जो रेंज अभी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, इसी बीच में इसको फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको कहीं भी पॉजिटिव का इंडिकेशन मिले तो आप बहुत कम क्वांटिटी से लॉट साइज़ को अपने मिनिमाइज करके अपने जो टारगेट हैं उसको भी कम से कम रख के यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जब तक इस रेंज में फंसा हुआ है, जब तक ये एक कुछ पॉजिटिव आउटकम या फिर नेगेटिव आउटकम नहीं आ जाता है, तो हमारे लिए अभी भी आज का जो 4 आवर सेटअप में यही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई पड़ रही है रेंज का फॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर 4 आवर में देखने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न नेगेटिव साइड में जाके बनाया है, और जिसने हाईएस्ट पॉइंट लगाया था वहाँ से लगभग 300 पॉइंट नीचे आ चुका है। तब इसके लिए जो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लगभग 450 का लेवल इसके लिए सपोर्ट रहेगा, उसके बाद में जो इसने लो का फॉर्मेशन किया है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। फाइनली अभी इसकी जो ट्रेडिंग होने वाली है, जो कैंडल का भी इसने 75,200 से लेके 75,600-800 इसके बीच में ही क्लोजिंग इसको करना है। तो आपको यहाँ पे बहुत अग्रेशन में आके फिलहाल अभी बचना है, क्योंकि सारे लोग अभी न्यूज़ का ही इंडिकेशन का कुछ वेट कर रहे हैं, कुछ वहाँ से जो भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा उस बेस से फिलहाल रिएक्शन होती दिखाई पड़ेगी। अगर रेट कट होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय पॉजिटिव होप होने के चांसेस दिखाई पड़ेंगे। अगर इनकेस स्टडी मूव रहता है तो थोड़ा सा रिवर्सल प्लान होगा, उसके बाद में फिर हमें एक मूवमेंट हो सकता है अपर साइड में देखने को मिले, लेकिन सारी कंडीशन बेस्ड रहेगी। ऐसा नहीं आप पोजीशन लेके अभी बैठ जाए या फिर लॉस करके बैठ जाए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कुछ और कंडीशन डेली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देख रहे हैं ईएमआई का लगातार सपोर्ट इसमें चलता हुआ जा रहा है, तो मैंने आप लोगों से बोला था अगर आपने कुछ प्रॉफिट किया डेफिनेटली कुछ ना कुछ घर लेके जाना होता है, अदरवाइज मार्केट है यहाँ पे आपको दोनों साइड के मूव देखने को मिलते रहते हैं। अब हमारे लिए 75,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इसके आसपास आता है तो आपको यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी कुछ दिखती है तो थोड़ा सा देख सकते हैं, अदरवाइज जब तक कंफर्मेशन ना हो एंट्री का यहाँ से बचना चाहिए। कंफर्मेशन कैसे करना है वो ऑलरेडी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रखा है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो डेली टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न का जो प्रेडिक्शन था लगभग उसी रेंज पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मॉर्निंग की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ ये जितना टाइम बिताएगा उतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। आज की क्लोजिंग इसी के आसपास कहीं हो जाती है, उसके बाद में अभी 2 दिन और बचे हुए हैं, इसी ने इसको ट्रेड करना चाहिए। फिर फिलहाल जैसे मोमेंट रहेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली हमें एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी। थैंक यू।